रहा है कि अगर तुमने अपना एरिया, अपना टैक्स नहीं भरा और तुम्हारा जो पिछला बकाया है वो भी तुम नहीं देते हो नेक्स्ट वीक तक, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो वो बेचारा फार्मर क्या बता रहा है कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन तुम्हारे जो आदमी है वो तो ऑलरेडी मेरा सारा जो अनाज मैं उगाता हूँ वो मुझसे छीन ही लेते हैं, तो फिर मेरा कौन सा एरिया बकाया है। इस तरीके की चीज़ें जो थी अब वो देश में घटने लगी थी। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब इसके बावजूद भी इतना कुछ प्रॉफिट, मतलब इतना कुछ हमारे देशवासियों के साथ जाती करने के बाद भी अब जो ब्रिटिशर्स थे वो न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू मेथड्स इन्वेंट कर रहे थे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। अब एक जो उनके जो मतलब ऑफिसर हैं वो क्या बोल रहे हैं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। अब उन्होंने कहा जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे इंग्लैंड में उसकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगे उसको इंडिया लाने के लिए। ओ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब वहाँ से वो इंग्लैंड से सामान बना के यहाँ ले आते थे तो लोग जो थे यहाँ का सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, इससे क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने से क्या करने की कोशिश की, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वहाँ जो चीज़ें बनती थी अब वो बिक नहीं रही थी क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी, तो इंग्लैंड का जो सामान था बहुत सस्ते दामों में यहाँ बिक रहा था, तो जो इंडियंस अपना सामान खुद बनाते थे वो क्या होता, सब वेस्ट हो रहा था, उनकी बिक्री नहीं हो रही थी और इस तरीके से इंडस्ट्री जो थी वो बर्बाद होती जा रही थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज अब इनएविटेबली फेमिनिन फॉलोड बिटवीन 1822 टू 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो गया था, 1882 के से लेके 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस जो थे वो भूखे मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज वेंट द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड दियर बिजनेस, और जो हमारे घर में जो घर घर में जो उद्योग हुआ करते थे वो सब कुछ तो एक तरीके से बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, हमारे यहाँ लोगों की भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। अब लेट्स से कि हमारी जो फोर्थ पिक्चर है उसमें क्या दिखाया गया है, क्या बताया जा रहा है हमें फोर्थ पिक्चर के माध्यम से। राम मोहन रॉय, अब राम मोहन रॉय के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1772 से लेके 1833 का टाइम पीरियड है। राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब राम मोहन रॉय जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे बंगाल के, वो ये समझ चुके थे कि हमारी कंट्री के साथ एक्चुअली गलत हो क्या रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइट आर सेल्व, आर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ज्वाइनिंग अस। अब राम मोहन रॉय क्या समझाने की कोशिश करते थे, क्या समझाते थे वो लोगों को कि हम अपने आप में सक्षम हैं, हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो बहुत महान है और हम अपने में केपेबल हैं कि हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स खुद कर सकते हैं, और हमें पहली चीज़ जो अपनी सोसाइटी में क्या बदलने की कोशिश की, जो सुपरस्टिशंस है इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये जो अंधविश्वास हमारी सोसाइटी में फैल चुका है ये हमारी जो हमारा जो कल्चर है उसको एकदम पूरे तरीके से बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ, अब उसने अपनी वाइफ उमा से क्या बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। अब उसने जो हमारे यहाँ जो इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी फैल चुकी थी, चाइल्ड मैरिज थी और जो धर्म गुरु थे वो ऊटपटांग तरीके की बातों को फैला रहे थे, उसको समझाने के लिए उसने अपनी वाइफ को समझाया कि भले ही गाय कितने भी डिफरेंट कलर्स की क्यों ना हो लेकिन उसके दूध का कलर जो है वो हमेशा सेम ही होगा। डिफरेंट टीचर्स के हर डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट ओपिनियन जरूर हो सकते हैं लेकिन जो हर रिलीजन का, हर धर्म का जो अपना एसेंस है और उनका जो मकसद है वो एक्चुअली सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब वो जो थे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे साइंस को और मॉडर्न नॉलेज को, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका कहना था कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। सो ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल एंड ही टोल्ड देम, देयर ही टोल्ड देम। अब उसने क्या किया, वो अपनी सारी जितनी उनके जो मतलब हमारे यहाँ के जितनी भी वो बेड़ियाँ थी उसको तोड़ के वो इंग्लैंड गए और उन्होंने वहाँ जाके ये समझने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसा कौन सी सोच है मॉडर्न जिसने ब्रिटिश को इतना पावरफुल बना दिया है। उन्होंने यहाँ आके वही चीज़ें समझाने की कोशिश करी इंडियंस में। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। अब उसने अपने ब्रिटिशर्स को क्या समझाने की, क्या
सब्जेक्ट्स। अब उसने अपने ब्रिटिशर्स को क्या समझाने की क्या बोला, उन्होंने क्या समझाया कि हम आपको अपने रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी आर योर सब्जेक्ट्स, बट हम अगर हम आपको अपना रूलर समझ के अपनी जो सेवाएं हैं वो आपको देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो आपकी भी एज अ रूलर अपनी प्रजा के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उसने अपने यहाँ के राजाओं को समझाने की कोशिश करी, अपने यहाँ के जो ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर दबाव देने की जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे उन तक को ये समझाने की कोशिश करी, अपने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। वो अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको उस न्यूज़पेपर को 1823 में वापस से बंद करवा दिया। नाउ अब फिफ्थ पिक्चर में क्या हो रहा है, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन 1765 और से किस टाइम पीरियड की बात है, 1835। अब यहाँ पे जातियाँ बहुत बढ़ गई हैं, देखते हैं इस पिक्चर में कि क्या बताया जा रहा है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू ऑपरेश इंडियंस अभी भी, लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज़्यादा दबाव डालने की और ज़्यादा जातियाँ करने की अभी भी कंटिन्यूएशन में थे इंडियंस के साथ। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, जिसमें कि